प्रणाम दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसको देखने पे आगे का 5 साल आपको पता चलता है कि इस इंडस्ट्री में इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गेमिंग इंडस्ट्री की। तो काफ़ी सारे लोग 10th पास कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन BCA MCA BTech MTech सब कुछ कर लेते हैं, बट वो लोग को समझ में नहीं आता कि भैया हमको जब गेमिंग इंडस्ट्री में जाना था तो हम गेमिंग का कौन सा कोर्स करते ताकि मेरे को फ़ायदा होता गेमिंग इंडस्ट्री में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सबसे मस्त सबसे इंटरेस्ट बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, और इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ सब कुछ, लाइव प्रूफ करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आप लोग को सिखाते हैं। और इंडिया में काफ़ी सारे पीपल्स को, काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये चीज़ पता होगा ही नहीं जो मैं अभी आप लोग को वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग गेमिंग करियर में अपना नाम बनाना चाहते हो, गेमिंग कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, तो ये वीडियो फिलहाल मैंने आप लोग के लिए ही बनाई है। तो बस हाथ जोड़ता हूँ कि वीडियो को पूरा देख लेना, अच्छे से देख लेना, सब कुछ समझ में आएगा, तब अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में करना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट एक छोटी सी भाई की रिक्वेस्ट ये रहेगी आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे जो बेल नोटिफिकेशन होगा ना उसको ऑल पे करके वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि स्टूडेंट रिलेटेड हेल्प कंटेंट इस चैनल पर मैं देते रहता हूँ हमेशा हर बार। तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आप लोग को बताते हैं टॉप बेस्ट गेमिंग कॉलेज इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूँ गेमिंग कॉलेज इन इंडिया की, जिसके बारे में 70% स्टूडेंट को कुछ पता ही नहीं होता है। 10th में उन लोगों का सपना होता है कि मैं गेमर बनूंगा, बचपन से उनका सपना होता है कि मैं गेमर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं गेमिंग करूंगा, मैं इतना ज़्यादा गेमिंग करूंगा कि फाड़ दूंगा, चीट दूंगा। लेकिन जब वो 12th पास कर जाते हैं, 10th पास कर जाते हैं, ग्रेजुएशन में भी चले जाते हैं, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये सवाल जरूर होता है कि काश मैं गेमर होता, मैं गेमिंग कॉलेज में होता, मेरा गेमिंग में इंटरेस्ट था। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और आप लोग को मैं कैसे गेमर बन सकते हो, आप लोग कैसे गेमिंग में अपना करियर बना सकते हो, आप लोग मतलब कॉलेज से रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कॉलेज से रिलेटेड। टेक्नो गेमर भैया जी को और ट्रिगर निशान जी को और कैरी मिनाटी जी को, मतलब बड़े बड़े गेमर्स आपके यहाँ पे ये हो गए, लोकेश गेमर हो गए, एस गेमिंग हो, ऐसे ऐसे गेमर की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई से रिलेटेड गेमर की मैं बातें कर रहा हूँ, जो लोग गेम को डेवलप करते हैं, ठीक है, उन लोगों की बातें कर रहा हूँ। हाँ, उन लोगों की बड़े बड़े यूट्यूबर्स गेमर लोगों की मैं बातें करूँगा किसी अनदर वीडियो में, जो कि आप लोग के लिए सबसे हेल्प की होंगी। तो पहले यहाँ पढ़ाई वाला बात कर लेते हैं, फिर गेमर की खेलने वाला भी बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ सबसे मस्त इंपॉर्टेंट कॉलेज इंडिया में, जो कि आप लोगों को गेमिंग सिखाते हैं। तो ये रहा आप लोग के डिस्प्ले पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। अब इस कॉलेज में होता है क्या, इसको अभी हम लोग जस्ट अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल और टॉप इंडिया बेस्ट गेमिंग कॉलेज देख लो, ICAT डिजाइन एंड मेडिकल कॉलेज, मीडिया कॉलेज, मेडिकल नहीं, विच कॉलेज, देखो आप लोगों का क्वेश्चन क्या होता है, विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर गेमिंग इन इंडिया, लिस्ट मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखा दिया, पॉज करके देखना। अब आगे बढ़ते हैं, विच कोर्स इज बेस्ट फॉर गेमर, कंप्यूटर साइंस वन ऑफ द बेस्ट डिग्री फॉर गेमिंग करियर इन कंप्यूटर साइंस, वीडियो गेमिंग प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट, कुछ ऐसे ऐसे आप लोगों के कोर्स होते हैं जो कि आप लोगों का गेमर बनने में, मतलब गेम डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एनिमेशंस एंड VFX हो गए, UX हो गए, ये सब प्रोग्राम है। एंड डिजाइन एंड मीडिया कॉलेज देखो, गेम आर्ट एंड डिजाइन, गेम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, गेमिंग प्रोग्राम, गेमिंग डिजाइनिंग, गेमिंग प्रोग्रामिंग एंड गेम टेक्नोलॉजी, फुल टाइम, पार्ट टाइम, मास्टर्स डिग्री 2 साल का। तो स्टूडेंट्स ये सब मैं क्यों दिखा रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को जस्ट समझाने वाला हूँ। पीपल्स का जो क्वेश्चन होता है काफी सारे इंडिया का, 70% पीपल का देख सकते हो, विच कॉलेज इज द बेस्ट गेमिंग इन इंडिया, विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर गेमर इंस्टीट्यूट गेमिंग, मतलब कि गेमिंग से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि इंडिया में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज कौन से हैं, जहाँ पे आप लोग गेम डेवलपमेंट का कोर्स कर सको, या फिर वहाँ से आप लोग गेमर बन सको, गेम डिजाइंस वगैरह कर सको। तो जो अभी मैंने आप लोग को जो लिस्ट वगैरह दिखा रहा हूँ डिस्प्ले पे, सब कुछ दिखा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट आप लोग को पता चले कि जब आपके लिए अपॉर्चुनिटी दी गई हुई है गेमिंग में, गेमिंग कोर्स लेने के लिए, तब आप लोग क्यों BCA MCA BTech MTech ले लेते हो बस गार्जियन के कहने पे, या फिर उसके कहने पे, या फिर वगैरह वगैरह जो लोग आप लोग को कहते होंगे। तो मैं आप लोग को बस एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि अगर आप लोग गेमिंग में कुछ कोर्स वगैरह खोज रहे हो, गेमिंग से रिलेटेड डिग्री वगैरह करना चाहते हो, तो ये रहा आप लोग के डिस्प्ले पे। चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कौन कौन से कॉलेजेस होंगे इंडिया में, बट उससे पहले इस ग्राफ को मेंटेन करो। देखो सब्सक्राइब कोई नहीं करता यार, ठीक है, देख सकते हो न्यू बंदे 380 इतने बंदे आ रहे और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो इस ग्राफ को प्लीज मेंटेन करो। खैर पैसा वैसा तो लगता नहीं है सब्सक्राइब में, तो प्लीज सब्सक्राइब। एंड अब रहा है आप लोग के डिस्प्ले पे, देखो बेस्ट गेमिंग डिजाइनिंग कॉलेजेस इन इंडिया,
फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ गेम डिजाइन, यहाँ पे मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे कंसेप्ट बताए हैं जो कि आप लोग इसको पढ़ सकते हो। अब मैं आप लोगों को कॉलेज दिखाऊंगा गेमिंग से रिलेटेड, गेमिंग कॉलेज से रिलेटेड, ताकि आप लोग वहाँ पे गेमिंग कोर्स, गेमिंग डिग्री कर सको और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सको, गेम डेवलप कर सको, अपना इंडिया में, अपना इंडिया का गेमिंग डेवलपर आप लोग बन सको। क्योंकि इंडिया में फ्रेंड्स, जहाँ तक आप लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूँ कि मेड इन इंडिया गेम काफ़ी सारे डेवलपर्स, इंडिया के डेवलपर इंडिया में ही डेवलप कर रहे हैं। क्यों, कैसे, हाउ, क्योंकि वो लोग गेम डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, गेम डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बन रहे हैं महारत, मास्टर्स डिग्री उसमें कर रहे हैं। तो आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग भी गेम डेवलप कर सकते हो। तो ये रहा आप लोग के डिस्प्ले पे, देख सकते हो यहाँ से आप लोग, फरीदाबाद में एक कॉलेज है, इस कॉलेज से आप लोग अपना गेमिंग डेवलपमेंट कोर्स कर सकते हो। कितने पैसे लगेंगे आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हो। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में ही है, तो यहाँ से भी आप लोग अपना गेमिंग कॉलेज, मतलब गेमिंग डेवलपमेंट कोर्स वगैरह कर सकते हो। फिर नीचे आते हो तो गुड़गांव में एक कॉलेज है जो कि डिस्प्ले पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ से भी आप लोग अच्छे खासे आप लोग मीडिया डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हो गेमिंग का, ठीक है। फिर हैदराबाद में दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को एक टेक्नोलॉजी करके कॉलेज है। फिर नीचे आते हैं तो दिल्ली में भी अपना एक एकेडमी है जो कि बहुत ही बढ़िया कराती है गेमिंग डेवलपमेंट कोर्स वगैरह, जिससे कि आप लोग आगे चल करके गेम डेवलपर बन सकते हो। गेमिंग में क्या क्या, काफ़ी सारे गेमिंग में भाई लोग, काफ़ी सारे कैटेगरी है, ठीक है, काफ़ी सारे इंजीनियर्स है, काफ़ी अलग अलग आप लोग के टाइप्स है। तो गाइज, आपको जिस फील्ड में जाना है गेमिंग के, आप लोग जा सकते हो। जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को सब कुछ पता चलेगा। देख सकते हो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है आप लोग का एक चेन्नई में। फिर यहाँ पे आप लोग को LPU जलंधर, मतलब LPU में भी आप लोग गेमिंग डेवलपमेंट वाला कोर्स कर सकते हो। फिर नीचे आते हैं हल्का सा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नीचे हम लोग चल, देखो गाइज यहाँ पे देखो, पारुल यूनिवर्सिटी हो गए आप लोग के, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो हल्का सा। फिर नीचे आते तो काफ़ी सारे आप लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोग गूगल पे भी सर्च करके अच्छे खासे देख रहे हो। और स्टूडेंट लोग क्वेश्चंस क्या पूछते हैं गेमिंग से रिलेटेड, वो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताई थी कि कैसे कैसे किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज खोजोगे तो मैं आप लोग को ओपिनियन करूँगा कि गवर्नमेंट में तो नहीं ही जाओ, क्योंकि प्राइवेट में ही आप लोग को अच्छे से गेमिंग के बारे में बताया जाएगा, उसके कोर्स के बारे में बताया जाएगा, VFX के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट पे डीपली नज़र नहीं देते। तो इसलिए मैं ओपिनियन आप लोग को नहीं करूँगा कि आप लोग वहाँ पे मत जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नीचे थोड़ा सा देख सकते हो कि काफ़ी सारे कोर्सेज वगैरह मैंने आप लोग को दिखाए, काफ़ी सारे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, गेम डिजाइनिंग कॉलेजेस इंडिया बेस्ट ऑन 2023 रैंकिंग पे मैंने आप लोग को दिखाया। यहाँ पे PS अकेडमी वेस्ट कैंपस हो गया, फिर वेल्स यूनिवर्सिटी हो गया, RIMT यूनिवर्सिटी हो गया, एंड उसी के साथ साथ चित्रकला यूनिवर्सिटी भी हो गए, एंड यहाँ पे KR मलयालम यूनिवर्सिटी हो गया, जहाँ पे आप लोग का बस कम पैसे में भी आप लोग यहाँ पे डिग्री वगैरह कंप्लीट कर सकते हो गेमिंग का। क्योंकि अगर आप लोग BCA वगैरह कर रहे हो और कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो, BCA करने जाने वाले हो और ये वीडियो पहले ही आप लोग देख लिए हो, तो सबसे पहले तो भैया वीडियो को लाइक कर दो और इस हिसाब से आप लोग थोड़ा सा सोचो कि हाँ, BCA करने से अच्छा है कि मैं ये कोर्स कर लूँ, अगर मेरा पीछे का जो इंटरेस्ट है वो मेरा गेमिंग का ही है। तब मैं आप लोग को यही ओपिनियन करूँगा कि भाई लोग, आप लोग के पास काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो कि VFX का, जो कि मीडिया का, जो कि मीडिया ट्रेनिंग का, जो कि गेम डेवलपमेंट का, जो कि आप लोग को करवा रहे कोर्स, जो कि आप लोग कर सकते हो वहाँ से, एंड अच्छे खासे आगे जा करके अपना अपॉर्चुनिटी, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो, ठीक है। कोलकाता में भी आप लोग का एक इदा कॉलेज है। फिर MMACEC नैसिक में भी आप लोग का एक कॉलेज है। फिर यहाँ पे जैसे डिस्प्ले पे देख पा रहे हो, सब मैंने आप लोग को खोल करके रख दिया है। काफ़ी सारे 40-50 कॉलेजेस के मैंने आप लोग को नाम दिखा दिए हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज सर्च करना है तो गाइज, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस क्लिप में है जो कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग को मैं बता रहा हूँ, आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ। तो जो भी लोग आप लोग के कलीग्स हैं, जो भी लोग आप लोग के फ्रेंड्स हैं, उसको इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग, ज़्यादा बच्चा गेम वगैरह खेलता है और 10th पास 12th पास कर गया है और उसको आगे चल करके BCA MCA वगैरह करना है, तो उससे अच्छा है कि इस कॉलेज में उसको रिक्रूटमेंट कर दिया जाए और वहाँ से उसको गेमिंग वाला कोर्स वगैरह करा दिया जाए, ताकि उसका इंटरेस्ट भी बना रहे और ताकि उसमें उसका मन भी लगा रहे और उसमें कुछ अच्छा भी करे, गेम भी डेवलप करे इंडिया के तरह। इंडिया में मतलब काफ़ी सारे जो गेम डेवलपर डेवलप कर रहे हैं, एज लाइक आप लोग का इंडस गेम हो गया, एज लाइक आप लोग का मैनगरी हो गया, एज लाइक आप लोग का बैटल स्टार्स हो गया, काफ़ी सारे गेम्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे अपने इंडिया के गेम्स जो कि आप लोग को नहीं पता होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं यहाँ से अब अलविदा करता हूँ। बट मैं आप लोग को बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपने इंटरेस्ट की चीज़ें ही सिलेक्ट कीजिए और इंटरेस्ट की चीज़ें ही पढ़िए। बेवजह फालतू का जो आप लोग को जो बोझ दे दिया जाता है ना, उस बोझ से आप लोग बचिए। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे किसी अनदर वीडियो में, स्टूडेंट रिलेटेड हेल्प कंटेंट इसी चैनल पर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अपना ध्यान रखना।